क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बात। वेलकम फ्रेंड्स इन माय चैनल। दोस्तों एक बात बताऊं आपको कि आप है ना, जब तक आपके पास एंड डे का चांस है ना, आप एंड डे के चांस पे मेहनत करो, क्योंकि एंड डे के चांस आप एक साल पहले ख़त्म हो जाता है एयरफोर्स के चांस से, नेवी के चांस से। और एयरफोर्स नेवी के चांस भी आपके पास ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा चांस होते हैं एंड डे के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डिफेंस में ऑफिसर लाइन से अच्छी कोई पोस्ट भी नहीं होती। डिफेंस में जाओ तो एज ऑफिसर कोशिश करो। इस वीडियो में आपको एयरफोर्स मेडिकल नेवी मेडिकल, जिसमें जो मेडिकल होता है उसको बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। ऐसी वीडियो आपने ना तो यूट्यूब पे देखी होगी और शायद देखने भी ना पाए, क्योंकि मैंने बहुत ही बारीकी से, क्योंकि मैंने 2015 में विद 12th NDA क्लियर किया था। 2016 में जब एयरफोर्स एक बार हुआ करता था साल में, तो 2016 में मैंने एयरफोर्स का भी टेस्ट क्लियर किया था। NDA मैंने क्लियर किया था, लेकिन ओनली टेस्ट क्लियर किया था, SSB क्लियर नहीं हुआ था। एयरफोर्स में भी मैंने सिर्फ टेस्ट क्लियर किया था, उसमें मैं फिजिकल में बाहर हो चुका था, और नेवी AA भी मैं क्लियर कर चुका हूँ, SSR भी क्लियर कर चुका हूँ। मैं हर चीज़ में निकला हुआ हूँ, फिजिकल में भी निकला हुआ हूँ, मेडिकल में भी निकला हुआ हूँ, और बहुत सी मतलब कोशिश की मैंने, और फाइनली डिफेंस में तो सक्सेसफुल नहीं है, उसका कोशिश जारी है। चलो बात करते हैं एयरफोर्स मेडिकल, नेवी मेडिकल, SSR मेडिकल। हम आज पूरे फेस के बारे में बात करेंगे, जो फेस पे जो भी हमारी इंद्रियां होती हैं उनके बारे में, कि उनका क्या पॉइंट बन सकता है, उसमें क्या कैसे सुधार कर सकते हैं हम। सबसे फर्स्ट पे आता है नोज, नाक। नोज का पॉइंट बनता है DNS पॉइंट। DNS पॉइंट होता है डेविएटेड नोजल स्पेक्ट्रम। DNS क्या होता है, जो नाक की हड्डी होती है, बाहर से देखने से पता नहीं चलेगा, कभी भी बाहर से किसी की हड्डी टेढ़ी हो सीधी हो उससे पता नहीं चलेगा। जो नाक की जो बीच में जो हड्डी होती है दोनों छिद्र के बीच में, अगर वो जो उसमें कोई भी डेविएशन है तो वो DNS पॉइंट बना देते हैं। इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, अगर बहुत थोड़ी प्रॉब्लम है, नेग्लिजिबल टाइप की प्रॉब्लम, हर वो पॉइंट बन गया, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आप कुछ मत करो, बस थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो अपने, जिस तरफ नाक की हड्डी थोड़ी थोड़ा सा डेविएशन है उस तरफ, उससे अपोजिट साइड में थोड़ा सा उस पर प्रेशर डालते रहो। और अगर बहुत ही ज़्यादा डेविएशन है तो उसका एक ही ऑप्शन है, वो है सर्जरी, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट आता है, जैसे इस फोटो में दिखाया गया है, ऐसी अगर DNS पॉइंट इसे कहते हैं, ये तो बाहर से देखने पर पता चला, लेकिन कई बार बाहर से देखने पर पता नहीं चलता, बाहर से देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे हड्डी बिल्कुल सीधी है, लेकिन DNS पॉइंट बना देते हैं। जैसे आप नाक को तीन साइड से, ये तीन व्यूज होते हैं, तीन व्यूज से देखिए आप, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, और एक नीचे से जो व्यू होता है, तीनों साइड से हड्डी को चेक करिए। नेक्स्ट आता है एंटोलॉजिस्ट। एंटोलॉजिस्ट क्या होता है, जो हमारे आपने सुना होगा नाक कान गला विशेषज्ञ, उसे एंटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो एंड पॉइंट बना देते हैं, यानी ईयर में, नोज में, थ्रोट में। नोज का एक पॉइंट तो बता ही दिया आपको, DNS पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है नोज में वाउंड प्रॉब्लम। वाउंड प्रॉब्लम क्या होती है, अगर नाक में आपकी कोई भी घाव है, कोई भी वाउंडेशन है आपके नोज में, तो वो पॉइंट बना देते हैं। और हम नेक्स्ट चलते हैं ईयर प्रॉब्लम। ईयर प्रॉब्लम क्या होता है, ईयर में भी वो एक नोज की तरह प्रॉब्लम होती है, वाउंड प्रॉब्लम। अगर कान में कोई घाव है तो वो श्योर पॉइंट बनाएंगे, अगर कान में कोई दाग है, कोई स्कार है अपने पर्दे पे या कान के साइड में, तो भी वो पॉइंट बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं टाइपनोसलेरियस। इसका एक ही ऑप्शन है,
जो टाइपनोसलेरियस है उसका एक ही ऑप्शन है, वो सर्जरी से रिमूव किया जा सकता है। और बी पॉइंट है होल इन ईयर डर्म, अगर पर्दे में होल है, छिद्र है, तो भी पॉइंट बनेगा और उसका भी एक ही ऑप्शन है, वो सर्जरी। जैसे नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं उसमें आप देख सकते हैं। और एक पॉइंट और होता है, आपको कम से कम 150 सेंटीमीटर दूर से सुनाई देना चाहिए। कितना? 150 सेंटीमीटर दूर से कम आपको सुनाई देना चाहिए। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, सबसे ऊपर जो होता है वो होता है टाइम पर कोलोरोसिस। इसमें क्या होता है, देखो सफ़ेद सफ़ेद दाग हैं पर्दे पे। नेक्स्ट है होल इन ईयर ड्रम, इसमें होल है, जो ये पर्दा है कान का, इसमें क्या है, होल। अब आता है थ्रोट, गला। गले मेनली तो कोई पॉइंट नहीं बनता, बनता तो टॉन्सिल, टॉन्सिल्स का बनता है। क्या होता है, छोटे छोटे हमारे जो गले में खराश हो जाती है, मतलब छोटे छोटे कांटे की तरह टॉन्सिल्स हो जाती हैं। और सेकंड है स्वेलिंग इन थ्रोट। स्वेलिंग क्या होता है, सूजन। अगर गले में सूजन होती है थोड़ी बहुत भी, बाहर से पता नहीं चलेगा, अगर गले में अंदर से जो हमारी जगह होती है उसमें अगर सूजन होती है तो भी उसका वो पॉइंट बना देते हैं। ये तो नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं, ये टूट जाएंगे आराम से। अब नेक्स्ट आता है आई, आँख। अब आँख में सबका मेजरमेंट अलग अलग होता है, नेवी SSR का अलग होता है, AA का अलग होता है, एयरफोर्स का अलग होता है। तो SSR की बात करते हैं। SSR में आँखों को दो तरीके से डिफेंस होता है, उसमें आँखों को दो तरीके से चेक किया जाता है, एक तो मायोपिया, एक होता है हाइपर मायोपिया। तो 6x6, हम बिना चश्मे के बात कर रहे हैं, 6x6 होना चाहिए बिना चश्मे के आँख। और 6x6 से लेकर 6x9 तक आंखें चली गई। 6x9 से अगर ऊपर है तो नेवी SSR आपका क्लियर नहीं होगा, ये बात कर रहा हूँ मैं विदाउट स्पेक्टल्स, बिना चश्मे के। नेक्स्ट आता है जो ये दूर से आपको ये जो चित्र में दिए गए हैं, जो अक्सर यही दिखाएंगे, जो जो टॉप होता है सबसे ऊपर जो अक्षर होता है बड़े आकार में, वो होता है 6x60। और जैसे चित्र में दिखाया 6x12 इस लेवल का होता है, 6x6 इस लेवल का होता है नॉर्मल आई साइट। जो 20x20 विजन, 20x20 विजन में 20 फिट से आपको कम से कम 20 फिट दूरी से ज़्यादा 20 फिट दूरी से ये देखना चाहिए। अब विद स्पेक्टल्स चश्मे के साथ कितना होता है, चश्मे के साथ आपको 6x6 होना चाहिए। हाइपर मायोपिया और मायोपिया अलग अलग होती हैं। अगर हाइपर मायोपिया में आपके 6x6 है विद स्पेक्टल्स, तो आपका सही माना जाएगा, आँखें आपकी सही मानी जाएंगी। अगर मायोपिया में आपके 6x6 हैं स्पेक्टल्स के साथ, तो आपकी आँखों का पॉइंट बन जाएगा। ये सारी चीज़ें वो हमें 20 फिट की दूरी से दिखाते हैं। नेवी AA की बात करते हैं, नेवी AA में 6x12 होनी चाहिए। देखो कितनी नेवी AA में तो और भी ज़्यादा आई साइट मांग रखी है, 6x12 होनी चाहिए विदाउट स्पेक्टल्स, लेफ्ट आई राइट आई दोनों। अगर 6x12 से एक भी कम एक भी ज़्यादा है तो आपका आई साइट पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट है सिक्स विद स्पेक्टल्स चश्मे के साथ 6x9, तो हाइपर मायोपिया में चश्मे के साथ, और 6x12 मायोपिया में हुआ तो वह आपका गलत माना जाएगा। एयरफोर्स का जो आई साइट होता है वो सेम होता है नेवी SSR जैसा। और आई में एक प्रॉब्लम होती है मोतियाबिंद, जिसे हम कैटरेक्ट कहते हैं, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम भी हो तो पॉइंट बन सकता है। एक होता है नियर विजन। नियर विजन में क्या होता है, आपको पास में बैठा कर वो पढ़ाएंगे 25 सेंटीमीटर दूरी से, ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेंटीमीटर दूरी से वो आपको छोटे छोटे अक्षर पढ़ाएंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अगर ये आपको 25 सेंटीमीटर दूरी से दिख रहा है तो समझ लीजिए आपकी आंखें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है कलर ब्लाइंडनेस, जो बहुत ही रेयर केस में मिलता है। कलर ब्लाइंडनेस के भी चित्र नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप में वहाँ अक्षर दिख रहे हैं अलग
कलर में तो आप कलर ब्लाइंडनेस आपको बिल्कुल सही है, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। और अगर आपके कॉर्निया में कोई भी घाव है तो भी आपको पॉइंट बन सकता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस के चित्र हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें 7 लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, आपको ऐसा चित्र भी दिखाएंगे, इसमें क्या करना है, जो आपको जो हरी हरी लाइनें दिख रही हैं उस पर बस आपको अपनी अंगुलियां टेकनी और उस घुमाना है कि भाई हरी हरी लाइन आपको कहाँ दिख रही है, ये आपसे पूछेगा वो। इस चित्र में 8 दिख रहा है। अब होता है दांत पे आते हैं, दांत में अगर स्पेस है, दांतों में स्पेस तो भी पॉइंट बनेगा, अगर कम से कम 28 दांत होने चाहिए, 28 से कम है तो भी पॉइंट बनेगा, और अगर कोई भी दांत आपका आधा कटा हुआ है, आधा टूटा हुआ है तो भी आपका पॉइंट बनेगा, अगर आपके दांतों में कीड़ा है तो भी आपका पॉइंट बनेगा। तो क्लियर जेम्स विद जर्म्स, यानी जो आपके गम्स होते हैं उसमें क्या नहीं होने चाहिए, जर्म्स यानी कीड़े नहीं होने चाहिए, वॉर्म टीथ, वॉर्म टीथ होंगे तो भी आपको पॉइंट नहीं, दांतों में कीड़ा, आप दांतों में अगर आपके छेद है तो आप उसमें जो चांदी भराना कहते हैं चांदी भरवा के जाएं, कीड़ा है तो कीड़े को साफ कराएं और ऊपर से चांदी भरवा लें या फिर EVC करवा लें, आपका कोई पॉइंट नहीं बनेगा। जैसे चित्र में दिया गया ये है टीथ स्पेसिंग, ऐसे दांतों में अगर आपकी स्पेस है तो आपको पॉइंट बनेगा, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको 21 दिन का टाइम देंगे, उसके दौरान टूटने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि दांतों की स्पेसिंग कम से कम 6 महीने में, कम से कम 6 महीने लग जाते हैं दांतों की स्पेसिंग को कम करने के लिए। यह होता है दांतों में कीड़ा लगना, अगर दांतों में कीड़ा लगा तो भी आपको पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट होता है फेस, फेस शेप, फेस अगर आपके फेस पे स्कार्स हैं, दाग हैं और पिंपल्स हैं तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई भी पॉइंट नहीं बनता, बस आपका जो फेस की जो बोन्स हैं वो फिक्स शेप में होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बोन्स कोई बोन होती है, जैसे ठुड्डी की बोन होती है वो टूटी भी नहीं होनी चाहिए, या फिर उनकी शेप होनी चाहिए वो फिक्स होनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने फेस के जो फेस पे इंद्रिय होते हैं उसके पॉइंट के बारे में बात करें, इसके नेक्स्ट पार्ट हम फेस के नीचे वाले सारे पार्ट के बाद बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल।